आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि कैसे मैं कोकोनट ऑयल अपने डेली लाइफ में यूज करती हूँ। और उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि मैं ये एक्स्ट्रा वर्जिन कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल यूज करती हूँ क्योंकि ये 100% नेचुरल एंड प्योर है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि नॉर्मल कोकोनट ऑयल एंड वर्जिन कोकोनट ऑयल में क्या डिफरेंस होता है। तो जो वर्जिन कोकोनट ऑयल होता है वो फ्रेश कोकोनट मिल्क या क्रीम से बनता है, उसमें कोई भी केमिकल नहीं होते, बेसिकली ये प्योरेस्ट फॉर्म होता है। और इसे बनाते वक्त इसे हाई हीट पे एक्सपोज नहीं किया जाता, जिसकी वजह से इसमें सारे गुण इसके इंटैक्ट रहते हैं। ये बहुत ही हेल्दी होता है और इसके बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि स्किन केयर हो गया, हेयर केयर हो गया या हेल्थ, सबके लिए फायदेमंद है। तो मैं इसे अलग अलग तरीके से यूज करती हूँ और जिस ब्रांड का मैं यूज करती हूँ वो है दिसानो ब्रांड का, और ये बहुत ही अमेजिंग ब्रांड है। इनके मैं और भी प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ, तो अगर आपको ये बाय करना हो तो कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं कि कैसे मैं इसे अपनी डेली लाइफ में यूज करती हूँ। और उससे पहले आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलो करना ना भूलें। सबसे पहला है DIY फेस स्क्रब। इसके लिए आपको शुगर चाहिए एंड ऑयल। 2-3 स्पून शुगर में थोड़ा सा ऑयल मिक्स करना है और बस आपका फेस स्क्रब तैयार। ये स्क्रब आप अपने लिप्स पे, बॉडी पे भी अप्लाई कर सकते हैं, और इसको अप्लाई करने के बाद आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट फील होगी। अपने नेल्स पे मसाज करती हूँ। आप में से कुछ लोगों ने पूछा था कि नेल्स के ग्रोथ के लिए बताइए, तो नेल्स के ग्रोथ के लिए ये बेस्ट है। मतलब कोकोनट ऑयल जो है वो चाहे हेयर ग्रोथ के लिए हो या नेल्स के ग्रोथ के लिए हो, सबके लिए इफेक्टिव है। नेक्स्ट इसे मैं अपने मेकअप रिमूवर की तरह यूज करती हूँ, एंड ट्रस्ट मी, इससे अच्छा मेकअप रिमूवर कोई नहीं हो सकता है। ये बहुत ही अच्छा है फाउंडेशंस, वाटरप्रूफ मस्कारा, मैट लिपस्टिक्स रिमूव करने के लिए, क्योंकि ये इजिली रिमूव कर देता है। तो अगर आप लोगों को मेकअप रिमूवर में इन्वेस्ट नहीं करना है तो आप लोग ये यूज कर सकते हैं क्योंकि ये बेस्ट है। नेक्स्ट इसे मैं अपने लिप्स एंड बॉडी मॉइस्चराइजर की तरह यूज करती हूँ। चाहे सर्दियां हो या गर्मियां, इसे मैं अपने बॉडी पे अप्लाई किए बिना नहीं रह सकती हूँ क्योंकि मेरी स्किन जो है वो बहुत ज्यादा ड्राई है, तो इसको अप्लाई करने के बाद मेरी स्किन काफी ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है। और अगर आप ये अपने लिप्स पे यूज करते हैं तो आपको किसी भी लिप बाम की जरूरत नहीं पड़ेगी। हेयर ऑयल करने के लिए यूज करती हूँ। ये मैं हमेशा से ही करती हूँ, मतलब बचपन से ही मैं कोकोनट ऑयल यूज करती हूँ, पर अभी मैं ये एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज कर रही हूँ। और जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है, अगर आप हेयर ऑयल करके हेयर वॉश करते हैं तो आपको किसी कंडीशनर की जरूरत नहीं है। ये आपके हेयर को बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनाता है और हेयर ग्रोथ में भी हेल्प करता है, और साथ ही आपके हेयर को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये सारे वो तरीके हैं जैसे मैं कोकोनट ऑयल यूज करती हूँ। ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, ट्राई करके जरूर देखना। तो जो टीनेजर्स या मदर्स जिनके छोटे बेबी हैं, उनके मसाज के लिए आप ये ले सकते हैं क्योंकि ये एंटी फंगल एंड एंटी बैक्टीरियल है। और मुझे सच में ये दिसानो ब्रांड के प्रोडक्ट्स पसंद है, इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे इन पे ट्रस्ट है और जिन पे मुझे ट्रस्ट होता है वही मैं आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ। तो आज के लिए इतना ही, और कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि इनमें से कौन सा तरीका आप फॉलो करते हैं या फॉलो करना पसंद करेंगे। एंड आई होप आपको ये वीडियो ने हेल्प किया हो, कुछ सीखा हो आपने और वीडियो पसंद आई हो। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन. बाय.